नमस्कार, मैं आपका दोस्त सेफ्टी गुरु अशोक कपूर आपके परिवार और आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील। छोटी छोटी बातें जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता लेकिन उनका नतीजा एक चोट हो सकता है, उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन काम के दबाव में आप भूल जाते हैं, आपको चोट लग सकती है। मैं आपको भूली हुई बातों को याद दिलाने की एक कोशिश करूंगा। मैं सेफ्टी ऑफिसर हूं, हमेशा लोगों को बोलता रहता हूं दुर्घटना होना नहीं चाहिए, दुर्घटना होना नहीं चाहिए, दुर्घटना ना हो इसके लिए ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, यही सब चीजें आपका सेफ्टी ऑफिसर भी आपको बताता है। तो आइए एक बार अपन समीक्षा करेंगे कि दुर्घटना का फायदा होता है या नुकसान होता है। आपके विचार आपको मालूम, मेरे विचार मैं आपको बताता हूं। देखिए आप मेरे विचारों से कितना सहमत होते हैं। मेरा तो कहना है भैया कि दुर्घटना से फायदा होता है। पहला फायदा, आप आपके घर पे आपकी धर्मपत्नी को बोलते हैं चाय बनाओ, तो आपकी धर्मपत्नी बोलती है पहले बच्चे का खाना बन जाने दो, बाद में चाय मिलेगी। आपको चुपचाप बैठना पड़ता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता है, बगैर बोले आपको मिलता है, और चाय नहीं मौसम्बी का जूस मिलता है, और वो भी बड़े प्यार से मिलता है। नहीं नहीं आपको मेरी कसम, आपको तो पीना ही पड़ेगा। आपके यार दोस्त जिनको आप बुलाते रहते हैं कि आओ आओ मिलने के लिए आओ, लेकिन वो आते नहीं। आपका एक्सीडेंट हो गया तो बगैर बुलाए वो आएंगे, आपके रिश्तेदार बगैर बुलाए आएंगे, आपका मैनेजर आपका इंजीनियर डिपार्टमेंटल हेड आपका एक्सीडेंट होने पर आपको देखने के लिए आएगा, हमेशा आपके नाम पे रोता रहता है भैया इस जन्म में मिला तो मिला अगले जन्म में मत मिलना यार। लेकिन आपका एक्सीडेंट होने पर क्या करेगा, वो आएगा साथ में कुछ फ्रूट्स लेकर आएगा और आपकी बहुत तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा इतनी तारीफ करेगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वही आदमी है या कोई और आदमी है। और अगर किसी से आपने पैसा उधार लिया है तो वो भी आएगा, लेकिन वो पैसा नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ है। वो पूछेगा दवाई ले ली या लाके दे दूं, आपसे दवाई की चिट्ठी लेके जाएगा, खुद के पैसे से दवाई लाके देगा, और आपके घर से जाने के बाद मंदिर जाएगा, बोलेगा हे भगवान उसको ठीक कर देना। और एक फायदा बताता हूं सर, गुजरात के एक भाग में मैं नौकरी करता था, वहां पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, सामने से मोटरसाइकिल वाला आया, दारू पी के था वो, हालांकि वहां दारू की मनाही है लेकिन फिर भी वो पी के था, मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया, मैं नीचे गिर गया, यहां पे मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, 2 दिन दवाखाने में भर्ती रहा, 3रे दिन प्लास्टर बंधा हुआ हाथ लेकर अपने घर आ गया। वहां के लोगों का मानना था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और दवाखाने में भर्ती होने के बाद वापस घर पे आया है, मतलब उसको नई जिंदगी मिली है, और ऐसे आदमी को अगर हम कपड़े देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। वहां पे मेरे को इतने कपड़े साहब मिले कि 3 साल तक मुझे कपड़े नहीं खरीदना पड़ा। उनको पुण्य मिला या नहीं मिला ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मेरे कपड़े खरीदने के पैसे बच गए। बोलो हुआ या नहीं, फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, फायदा नहीं हुआ। तो ठीक है साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक्सीडेंट की कीमत चुकाना पड़ता है। जिसका एक्सीडेंट होता है उसको, उससे ज्यादा उसके परिवार के लोगों को, जहां वो नौकरी करता है उस संस्था को, उसके समाज को, उसके देश को चुकाना पड़ता है। और जिस संस्था में या जिस देश में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां पर वो देश उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आइए हम सब प्रयत्न करेंगे कि हमारे यहां पर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। आप सभी के साथ साधारण सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए मैंने YouTube पर अपना चैनल सेफ्टी गुरु अशोक कपूर शुरू किया है। अपने परिवार की और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए। धन्यवाद।